सर, 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आप देख रहे हैं और पहले के चुनाव की अपेक्षा अब की बार क्या अंतर है? इस बार का जो चुनाव है उसमें मेरे ख्याल में तो है ना, मुद्दों पर कोई बात हो ही नहीं रही। खासतौर से जो रूलिंग क्लास है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, तो एक मुद्दा भी ये है ना, इलेक्शन होगा ये। हालांकि है ना, अपोजिशन पार्टीज ने मुद्दों पे है ना कुछ यहाँ पे है ना इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अभी भी उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। खासकर दो मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का और बेरोजगारी का, इनके ऊपर मैंने ये देखा है कि आम लोगों के अंदर भी कोई खास चर्चा नहीं है। और ख़ास तौर से कहते जी महंगाई तो है ना, पहले भी बढ़ती रही, अभी बढ़ती रहेगी। एक तरफ से ये कुछ लोग ऐसे भी हैं मिले मुझे जो कहते हैं जी है ना, सरकार तो मोदी की आनी है। और मैं कहा भाई महंगाई का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि भाई महंगाई तो है ना, उनका मैंने कहा कि पेट्रोल वगैरह के बारे में, तो कहते हैं जी पेट्रोल हो जाओ 400 रुपये। पर मोदी ने जो है ना देश का नाम रोशन दुनिया में कर रखा है ना, उस पर हमें गर्व है। अभी ये तो अंधभक्तों को ही पता होगा भाई कितना का नाम रोशन कर रखा है उन्होंने। मेरे ख्याल से शायद है ना कि मोदी सरकार ने जो नारा दिया था मोदी की गारंटी, उस पर हम लोगों को भरोसा नहीं है शायद, क्योंकि अब लोग ये पूछने लग गए कि कहते इन्होंने तो है ना 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2000 नौकरियाँ आपको मिलेंगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको है ना छत पे घर पे सिर पे छत होगी। लेकिन उनमें से तो कोई मुद्दा इन्हें पूरा किया नहीं, तो अब इस पर कैसे भरोसा कर लेंगे है ना, कि हमारे जो ये 2047 की बात कर रहे हैं कि है ना दुनिया की है ना सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियाँ बन जाएंगे, तो इस पर लोग है ना इस पर नकमजाक समझते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिसाब भी है ना ऐसा है, मोदी भक्तों का आदि नंद भक्त भी कह सकते हैं हम लोग, कि कहते हैं जी ना कि राष्ट्रवाद का नारा और जो है ये राष्ट्र हिंदू जो हमारा हिंदुत्व का जो है कंसेप्ट है कि हिंदुओं को मान सम्मान दिलाया है, हिंदुओं की सुरक्षा जो अगर कर सकता है तो मोदी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कहते आज तक है ना हिंदू हमेशा खतरे में रहा हो, तो ये बड़ी है ना अटपटी सी बात लगती है कि ना लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं कि भाई ना जो अल्पसंख्यक लोग हैं कि अगर ये है ना हम चले गए भी सत्ता आ गई तो है ना देश प्रेमी लोग हैं उनकी सरकार बन जाएगी, देश विरोधियों की। खास तौर से तो मोदी जी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो विपक्षी जो पार्टी है, ये तो है ना कि हिंदू विरोधी ही है, ये तो मुसलमानों की पार्टी है। और आपने देखा होगा ये तो गाय भैंस तक की बात करने लग गए कि इनको भी है ना खोल के है ना तुम उनको दे देंगे, तुम मुसलमानों को दे देंगे। आज हालात ये है कि है ना खास तौर से जो जो इंडिया का एक वो बना है, सभी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जो बना है, इस पे आप लोगों को भरोसा हुआ कि शायद मोदी को भी चुनाव में हराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि है ना कि जो है मुद्दे तो हैं, खासकर किसानों का मुद्दा है, किसानों की एमएसपी का मुद्दा है, किसानों की कर्जा माफी का सवाल है, और दूसरे मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का भी है। खासतौर से अग्निवीर की बड़ी चर्चा है कि हमारे है ना लड़के थे, खासतौर से किसानों के जो बच्चे थे वो है ना आर्मी में चले जाया करते, लेकिन 4 साल के अंदर उनको है ना कि नौकरी का जो प्रावधान किया गया है उतना पेंशन का प्रावधान है, और मान लिया उनकी किसी वजह से मौत हो जाती है वहाँ पे, तो ना उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, तो इससे भी लोगों में बड़ी भारी निराशा है। तो मुझे ये लगता है कि है ना कि ये चुनाव जो होगा ये मोदी वर्सेस जनता होगा। सर, अगर हम रोहतक की बात करें तो आप
पैसे से डॉक्टर भी रहे हैं, तो अब की बार रोहतक में क्या कुछ रहने वाला है? क्या पिछली बार की तरह इतिहास दोहराया जाएगा, तीसरी बार बीजेपी जीत जाएगी, या फिर यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, ये तो अभी कोई मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता भी दीपेंद्र हुड्डा जी जीत पाएंगे, लेकिन जो पिछले बार के जो हालात थे हुआ आज के दिन वो हालात नहीं है। पिछली बार का जो चुनाव था वो खास तौर से है ना, मुझे जो है ना मेरी जो समझ बनी है, एक इन्होंने जो आरक्षण चला था, जाट आरक्षण चला था, उसमें इन्होंने 35-1 का नारा तो दिया था खास तौर से है ना खट्टर सरकार ने, क्योंकि काफ़ी है ना यहाँ पे है ना हालात बिगड़े थे हरियाणा की, जाट वर्ष नॉन जाट का नारा दिया था इन लोगों ने, तो उसका भी एक फायदा इन्होंने उठाया। दूसरा जो पुलवामा कांड हुआ उसका भी फायदा इनको मिला, राष्ट्रवाद का भी फायदा इनको मिला, और चंद वोटों से है ना मेरे ख्याल 6-7 हज़ार वोटों से मेरे ख्याल में दीपेंद्र जी हार गए थे, मुकाबला काफ़ी खड़ा हुआ था पिछली बार भी। लेकिन इस बार ये है कि जो मैंने पहले बातें की हैं बताया आपसे बातचीत हुई है कि लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, ना मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और जो 400 पार का इन्होंने जो नारा दिया खास तौर से, तो अब ये उससे पीछे हट रहे हैं कि ना भाई हमें 400 सीटें आप जो दे मिल जाएंगी तो हम ये जो संविधान है इसमें बदल देंगे, संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। तो इससे है ना खास तौर से पिछड़े वर्ग दलित वर्ग में भी एक उनको भी है ना कि लगता है कि जो थोड़ा बहुत ही आरक्षण में मिला है ये आरक्षण भी हमारा कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए वो तो पिछड़े वर्ग सारा नहीं तो कुछ वर्ग और दलित वर्ग खासकर मुझे लगता है किसान वर्ग जाटों के नाम पे कह लो कुछ विद्यार्थी के नाम पे कह लो, ये लोग इस बार मुझे लगता है कि है ना काफ़ी मात्रा में है ना कांग्रेस के साथ आएंगे, लगता है मुझे दीपेंद्र इस सीट को आसानी से निकाल लेगा।